क्या क्या नहीं कहा गया किसान लोगों, क्या नहीं कहा गया, अपमानित किया गया, और वो दिल्ली आकर के अपनी बात ना करते। प्लीज माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते जी। सर मुझे एक बहुत विनम्र आग्रह करना है आपके विचार, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का एक चर्चा चल रही है सर। राष्ट्रपति जी की एक परंपरा होती है, प्रधानमंत्री गवर्नर सब कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के जिले में एमएसटी मिला कि नहीं मिला, ये एक बार आप परंपरा को देख ले। सभापति महोदय, जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई ना कोई शेर जरूर पड़ता है, दो लाइनें जरूर पड़ता है। पिछली बार भी जब मैं खड़ा हुआ तब भी दो लाइनें किसी ने पढ़ी, सामान्य सदस्य ने। सभापति महोदय, आज भी मैं खड़ा हो रहा था उससे पहले दो लाइनें बोली गईं। मैं उन दो लाइनों के आगे अपनी दो लाइनें जोड़ देता हूं, और वही देश की राजनीति है, वही रास्ता जो आज सत्ता में लोग हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। मैं उनके साथ अपनी दो लाइनें जोड़ता हूं कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। सभापति महोदय, ये जो हमारे सामने सत्ता में बैठे हैं वो समझ गए हैं, और बात मैं इसलिए भी कहता हूं, कल मैंने सुना कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। ये केवल भाषण में है, जमीन पर नहीं है, किसान को नहीं मिल रहा। और अगर किसान को मिल रहा होता सभापति महोदय, तो दिल्ली घेर करके किसान ऐसे नहीं बैठता। और ये जो किसान बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, इन किसानों ने न केवल दो तीन चार स्टेट बल्कि पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया। मैं जिस प्रदेश से आता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस प्रदेश की जनता ने दो बार इनकी सरकार बनवाई है, 2014 में भी समर्थन मिला जनता का, 2019 में भी समर्थन मिला। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण बोल रहे हैं, क्या जिस डिस्ट्रिक्ट से महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में एमएसपी किसानों को मिला है धान का कि नहीं मिला है? और जो लोग जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, मैं उनसे जानना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि बताएं, जहां से वो चुन करके आते हैं उस जिले में किसानों को धान का एमएसपी मिला है कि नहीं मिला है? इनके बोलने से मिल गया, लेकिन मुझे खुशी है सभापति महोदय, ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये देश सुन रहा है, किसान देख रहा है। जहां के राष्ट्रपति महोदय हैं उसके बगल का क्षेत्र हमारा है, ना एमएसपी धान का मिला, ना एमएसपी मक्के का मिला। और मैं तो कहता हूं माननीय सदस्यों से, आप तो सपना ये देख रहे हो, न जाने कितने साल सरकार में रहोगे, कितना बड़ा सपना देख रहे हो आप। और क्या आप जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उनको सत्य का सत्य नहीं बताना चाहते आप? आप अपने क्षेत्र में जाओ, क्या आपको एमएसपी दिला पाए हो किसी किसान को, तो बताओ हमें आप। और जहां तक केवल राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, वही नहीं, देश के डिफेंस मिनिस्टर भी वहीं से आते हैं, बताओ क्या मिला एमएसपी धान का? उसके बाद केवल यही नहीं है, न जाने कितने गवर्नर उत्तर प्रदेश से बनकर के दूसरे प्रदेश में बैठे हैं। क्या वो गवर्नर साहब अपने गांव में जाकर के नहीं पूछते, जिले में नहीं जानकारी करते कि एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको धान को? और मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी लिखा है कि मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ा रही है। कहां खरीद केंद्र बने थे उत्तर प्रदेश में? मुझे खुशी है सरकार इन प्रयासों को, हमारे किसान अपने परिश्रम से और बढ़ा रहे हैं, और
खाद्यान्न रिकॉर्ड जहां पर से राष्ट्रपति आते हों, प्रधानमंत्री आते हों, डिफेंस मिनिस्टर आते हों, गवर्नर आते हों, सरकार बनवाई हो, उस प्रदेश में एमएसपी नहीं मिल रही। और क्या व्यवहार रहा है आपके, क्या व्यवहार रहा किसान, क्या व्यवहार है आपका, क्या व्यवहार रहा किसानों का? अब भारत के इतिहास में अवसर आएगा तो बताइएगा, भारत के इतिहास में बताइएगा, प्लीज तब बताइएगा, भारत के इतिहास में ऐसा व्यवहार किसानों के साथ कभी नहीं हुआ होगा। सभापति महोदय, क्या क्या नहीं कहा गया किसान लोगों को, क्या नहीं कहा गया, अपमानित किया गया, और वो दिल्ली आकर के अपनी बात ना कर दें। प्लीज माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं जी। सर मुझे एक बहुत विनम्र आग्रह करना है आपके विचारार्थ। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का एक चर्चा चल रही है सर। राष्ट्रपति जी की एक परंपरा होती है, प्रधानमंत्री गवर्नर सबके लिए कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के जिले में एमएसपी मिला कि नहीं मिला, ये एक बार आप परंपरा को देख लें। इस तरह का संदर्भ मेरे 20 साल के संसदीय अनुभव में नहीं होता है। जी जी, वो भी मुख्यमंत्री रहे। आपने इंगित किया है, देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं सभापति महोदय, अगर मंत्री जी ने ये बात, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का संदर्भ नहीं ले सकते हैं। सभापति महोदय का संदर्भ को कहा गया, अगर ये सभापति महोदय अगर ये कोई संदर्भ में नहीं आए, लेकिन कम से कम हम जाने तो सही। ओके ओके, देख लेंगे, ओके ओके, देख लेंगे, देख लेंगे। मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी जानते हैं, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के जी। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ कभी नहीं हुआ, और कितना अपमानित किया गया उनको, क्या क्या कहकर के नहीं बुलाया गया उनको। और ये जो तीनों कानून है वो केवल इतना चाहते हैं, जब ये सरकार कह रही हम किसानों के लिए कानून बना करके लाए, अगर किसान उन कानून को नहीं स्वीकार कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कानूनों को वापस लेती है? जिनके लिए ये कानून बना है, जिनके लिए कानून बना है वो कानून नहीं चाहते हैं, तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉरपोरेट घराने के लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया आपने? आप जनता से चुनकर के आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बनकर के आए हैं। और क्या कहते हैं आप, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से, वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला, न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बनकर के। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका दुनिया बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं? मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं, क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं है? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप, क्या आप चंदा जीवी नहीं है? और फिर आप कहते हो कि मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज, अब बोलते रहिए आप। मैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैंने पढ़ा कि हम मंडी को मॉडर्नाइज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, देश में सबसे बेहतरीन अगर एक्सप्रेसवे कहीं बना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने बनाया। और मैंने हमेशा कहा ये शहरों को जोड़ने के साथ साथ गांव को जोड़ता है, जहां शहरों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा वहीं गांव की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा, इसलिए उसके आसपास मैंने मंडियां बनाई, मैंने आलू की मंडी बनाई कन्नौज फरक्काबाद कानपुर देहात के आसपास के लोगों के लिए, एक मैनपुरी इटावा और आसपास के लोगों के लिए अनाज की मंडी बनाई। अरे बाबा रामदेव जी से बहुत योगा सीखते हैं ये लोग, उन्हें भी मैंने 500 एकड़ जमीन दी एक मंडी बनाने के लिए, आम की मंडी बनाई। मैं इनसे जानना चाहता हूं लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए थे, वो पैसा कहां चला गया? जितनी ईंट लगाई थी समाजवादी सरकार में उससे आगे मंडियां नहीं बढ़ पाई, वहीं का वहीं काम रुका हुआ है। और फिर अभी प्रधानमंत्री जी गए थे
हमारा प्रदेश तो बहुत अच्छा प्रदेश है, अगर बड़ी चीज दिल्ली से बिके तो हमारे मुख्यमंत्री छोटी चीजें बेच देते हैं। समाजवादी सरकार में बना समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बलिया गाजीपुर को जोड़ता है और आगे बिहार से लेकर के आगे लोगों को मदद करेगा, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का, लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार की, और जो व्यवस्था दी थी मंडियों के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मंडियां क्यों नहीं बन रही, उसके किनारे क्यों नहीं मंडियां बन रही, और जहां तक मंडियां क्यों नहीं बन रही, गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, सुल्तानपुर मंडी बननी थी, और जहां तक अपराध की बात कर रहे हैं सभापति महोदय, देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। मुझे बताए कोई मुख्यमंत्री जिसने वापस लिया हो मुकदमे अपने। और फिर अपराध की बात कर रहे हो, ठोको नीति चल रही है, जिसको चाहो उसको ठोक दो, और कानून व्यवस्था की बात करोगे, महिलाओं की बात करोगे, मेरी माता जी बैठी है, महिलाओं पर बहुत चिंतित रहती हो, जाओ क्या हालत है उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की, और अपने आंकड़े निकाल करके देखो क्या आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हुआ है तो महिलाओं के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी के भाषण पर बोलिए ना, सभापति महोदय दूध की भी बात हुई, दूध की बात हुई, बैठिए कुछ सभापति महोदय दूध की भी बात हुई, प्लीज बैठ जाइए। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब समाजवादी सरकार थी तो गुजरात का अमूल प्लांट वहां लगाए, 5-5 लाख लीटर के 2 प्रोक्योरमेंट के प्लांट लगे, मदर डेयरी का प्लांट लगा, प्रोक्योरमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, 4 साल गुजर गए, एक नया प्लांट मिल्क का नहीं लग पाया। और दुख तो तब होता है जब लखनऊ के प्लांट में अमूल में वहां के लोगों का दूध नहीं प्रोक्योर हो रहा, गुजरात से आकर के प्रोक्योर हो रहा है दूध, वहां पर सरकार बनाए उत्तर प्रदेश, लाभ किसको मिले? इसलिए सभापति महोदय समय मेरे पास आपने कम दिया, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि जहां किसान की जान चली गई है, मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले, ये ऐसा दुर्भाग्य है जहां किसान अन्नदाता हमारा बेटा और सरकार नहीं सुन रही, और अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं बचा, ये वो किसान है जो कीले उखाड़ देते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं, बंजर जमीन को ठीक कर देते हैं, और समय आएगा सभापति महोदय इस सरकार पे भी पटेला चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।